साथ खुशबू सिंह और आप देख रहे हैं युग चरण। तो चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और राजस्थान सरकार पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने तंज कसा है। जोशी ने कहा कि गहलोत और सरकार दोनों ही मुगलिया प्रेमी हैं। जब सिलेबस से मुगल आक्रांताओं के पाठ हटा दिए जाते हैं तो मुख्यमंत्री को तकलीफ होती है। इसके अलावा जोशी ने कहा कि इस बार कांग्रेस की सरकार रिपीट नहीं बल्कि डिलीट होने वाली है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने कहा कि राजस्थान में मंदिरों को तोड़ा जा रहा, भगवा पताका पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है, लेकिन PFI जैसे आतंकवादी संगठनों को परमिशन दे दी जाती है। हिंदू नववर्ष रामनवमी रामदेव यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। ये मुगलिया प्रेमी सरकार है। जब NCERT ने सिलेबस से मुगल आक्रांताओं का पाठ हटा दिया और हमारी गौरवशाली योद्धाओं के पाठ को जोड़ दिया तो सरकार ने 1.5 करोड़ किताबों को कमरों में बंद कर दिया, महाराणा प्रताप का बोर्ड बना दिया, लेकिन महाराणा प्रताप का पाठ याद आया तो किताबों को कमरों में बंद कर दिया, क्योंकि ये CM मुगलिया प्रेमी है। मुगलों के पाठ हटाने पर CM को तकलीफ होती है। नॉर्थ कोरिया में आत्महत्या के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, उसे देखते हुए तानाशाह किम जोंग उंग ने एक सीक्रेट आदेश जारी करके सुसाइड को बैन कर दिया है। उन्होंने इसे देशद्रोह बताया है। आदेश में अधिकारियों को आत्महत्या को रोकने की जिम्मेदारी दी गई है। अगर पूरे नॉर्थ कोरिया में देशद्रोह का कोई भी मामला सामने आया तो अधिकारियों को इसका जिम्मेदार ठहराया जाएगा। नॉर्थ कोरिया के अधिकारी ने रेडियो फ्री एशिया से बात करते हुए इस बात की जानकारी दी। साउथ कोरिया की एक स्पाई एजेंसी के मुताबिक नॉर्थ कोरिया में मई तक पिछले साल की तुलना में सुसाइड के 40% से ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। चोंगजिन प्रांत में इस साल सुसाइड के 35 मामले सामने आए हैं। इनमें से ज्यादातर केस पूरे परिवार के एक साथ आत्महत्या करने के हैं। लोगों ने सुसाइड नोट में वहां के सोशल सिस्टम की आलोचना की है। उन्होंने आत्महत्या का कारण बढ़ती गरीबी और बेरोजगारी को बताया है। मणिपुर के मैतेई बहोल कांगपो के जिले में मंगलवार रात हुए हादसे में 9 लोगों की जान चली गई और 10 लोग घायल हो गए। पुलिस ने बताया कि रात करीब 1 बजे कांगपोकी से सटे खामे लोग गांव और इम्फाल पूर्वी जिलों में हमला किया गया। हमलावर अत्याधुनिक हथियारों से लैस था। मारे गए सभी लोग खामे लोग गांव के हैं। इस घटना के अलावा मंगलवार को विष्णुपुर जिले में भी मंगलवार को हिंसा हुई। रूस ने मंगलवार को यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के गृह नगर में हमला किया। इसमें 6 लोगों की मौत हो गई। दूसरी ओर यूक्रेन के पलटवार में रूस के सीमाई इलाकों में वैसा ही दर्द और बेचैनी की तस्वीरें सामने आ रही हैं, जैसे रूसी हमलों में कीव समेत दूसरी शहरों से मई तक आ रही थी। यूक्रेन से लगा रूस का शेवेकिनो कस्बा तो वीरान हो चुका है। 40,000 की आबादी वाले इस कस्बे के साथ ही 4 अन्य कस्बों से भी पलायन हुआ है। सीमा के कस्बों के अस्पतालों का हाल भी बेहाल है। 56 साल की ल्यूडमिला कोसुबोआ अपनी डायबिटिक सहेली की देखभाल में लगी है। वो रोते हुए कहती है, मुझे इंसुलिन चाहिए, मुझे अपनी सहेली की मदद करनी है, क्योंकि वो उठने बैठने और चलने में असमर्थ है। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। बिहार पुलिस में 21,391 पदों पर कांस्टेबल के पदों पर वैकेंसी निकली है, जिसके लिए 12वीं पास उम्मीदवार 20 जुलाई तक पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीदवारों का सिलेक्शन फिजिकल टेस्ट के आधार पर किया जाएगा। 21,000 से ज्यादा पदों पर निकली भर्ती में सेलेक्ट होने पर उम्मीदवारों का सिलेक्शन फिजिकल टेस्ट के आधार पर किया जाएगा। 21,000 से ज्यादा पदों पर निकली भर्ती में सेलेक्ट होने पर उम्मीदवार को हर महीने 21,700 से लेकर 69,100 रुपए तक सैलरी दी जाएगी। न्यूनतम आवश्यक योग्यता के तहत उम्मीदवार को कक्षा 12वीं की परीक्षा न्यूनतम अंकों के साथ पास होना जरूरी है। भर्ती प्रक्रिया में रिटन टेस्ट के बाद फिजिकल टेस्ट का आयोजन किया जाएगा, जिसमें सेलेक्ट होने पर मेरिट के आधार पर उम्मीदवारों को पोस्टिंग दी जाएगी। रिटन टेस्ट 100 नंबर का होगा, जिसमें 100 सवाल पूछे जाएंगे, जिन्हें हल करने के लिए उम्मीदवार को 2 घंटे का वक्त दिया जाएगा। ऐसे में रिटन टेस्ट में 30% से कम अंक लाने वाले उम्मीदवार फिजिकल टेस्ट के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। फिलहाल खबरों में इतना ही। आगे खबरों के लिए यूं बने रहिए हमारे साथ और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को।